हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर से इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ यू ज़ारा हॉल, जिसमें मैं आज आपको ड्रेसेस और एक्सेसरीज दिखाने वाली हूँ। मेरा जो लास्ट हॉल था उसमें मैंने टी शर्ट्स, टॉप्स और ट्राउजर्स का हॉल किया था, जिसको आपने काफ़ी प्यार दिया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज उसी का पार्ट टू मैं लेकर आई हूँ, जिसमें है ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है दैट आई एम लिविंग इन गोवा राइट नाउ, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग की है, यहाँ पर किस टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं और पार्टीज़ वगैरह में सब लोग क्या पहनते हैं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग की है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग योर वेकेशन टू गोवा या कहीं और भी जा रहे हैं, तो पार्टीज़ के लिए या कैजुअल आउटिंग्स के लिए आप ये सारी ड्रेसेस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द हॉल। सो दिस फर्स्ट ड्रेस इज़ फ्रॉम देयर फ्रेश अराइवल्स, बट डोंट वरी, इस हॉल में बहुत सारे सेल आइटम्स भी आने वाले हैं, सो कीप ऑन वॉचिंग। दिस ड्रेस हैज़ अ स्ट्रेट नेक लाइन, जो कि काफ़ी फ्लैटनिंग लुक देता है। पफ्ड स्लीव्स हैं, प्लीटेड है हर जगह से। मैंने यूजुअली जो ड्रेसेस देखी हैं वो कहीं से प्लीटेड होती हैं, कहीं से नहीं होती हैं, बट दिस ड्रेस इज़ प्लीटेड फ्रॉम एवरीवेयर, जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल है। एंड प्लस इट इज़ फ्लोरल प्रिंटेड, तो गोवा में फ्लोरल प्रिंटेड तो हमेशा इन होता है। और पेयर शर्ट बॉडीज भी ड्रेस बहुत सूट करने वाली है, बिकॉज इट इज़ इन फिट एंड फ्लेयर। I have bought these heels from Myntra. And the next dress is this beautiful ruffled multicolored dress. इसमें जितने भी colors का combination है वो बहुत ही pretty है, because all the colors are earthy colors. Earthy colors का combination looks very classy. और इसकी जो neckline है वो भी बहुत perfect है मेरे लिए, क्योंकि usually जो Zara से necklines आती हैं वो बहुत ज़्यादा deep होती हैं, तो मुझे अंदर से कुछ पहनना पड़ता है, but इसकी जो neckline है वो काफ़ी comfortable थी मुझे। और इसको आप इसके name से search कर सकते हैं ज़ारा पे, बिकॉज ज़ाराज़ लिंकिंग इज़ सुपर वियर्ड, कभी कोई लिंक अपडेट हो जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। सो यू कैन सर्च इट बाय इट्स नेम एंड यू कैन पेयर इट विद एनी ऑफ योर सॉलिड हील्स। मैं इनको पेयर कर रही हूँ इन ब्लैक एंड वाइट हील्स के साथ, जो कि मैंने वीनस स्टेप से ली है। And the next dress is this pretty floral print mini dress, जो कि ब्लैक एंड ग्रीन कलर में है और फुल स्लीव्स है और स्वीट हार्ट नेकलाइन के साथ है। Perfect for parties and clubbing, and this dress is giving me pure Disha Patni vibes, and that's because I have seen her wearing these types of dresses. The back side of this dress is clinched, jiski wajah se fitting bahut achhi aa rahi hai. It is fitting me like a glove. Pairing this dress again with the black and white heels that I bought from Venus Steps. And the next dress is this beautiful dress with cutwork embroidery, और unlike other Zara dresses, it's in cotton material. बाकी सारी जो भी dresses होती हैं they are in polyester, जिनमें कभी कभी गर्मी लगती है because Goa's weather is like that only. But this one is in cotton material which is super super comfortable. और इसकी जो shoulders हैं वो नीचे गिर रहे थे, जिसकी वजह से जो hangers के loops आते हैं एक side का cut करके मैंने दूसरी साइड अटैच कर लिया, ये स्ट्रिंग अदरवाइज पहले से नहीं थी इसमें, तो है ना ये एक अच्छा आइडिया टू स्टॉप योर शोल्डर्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अगेन इट हैज़ दिस फ्लोरल डिज़ाइन ऑन इट एंड द कलर इज़ ऑल्सो वेरी कूल। आई एम गोइंग टू पेयर दिस ड्रेस विद माई वाइट हील्स, जो कि अगेन मैंने वीनस स्टेप से ही ली हैं। And the next product in this haul is my absolute favorite, which is this mini flare trousers in emerald color. High waisted trousers हैं with welt pockets, real pockets नहीं हैं, these are welt pockets, flared hems हैं, metal hook है और zip fastening भी है at the front. और ये वाले जो trousers हैं they are in 50% cotton, बाकी जो है इसमें elastane है और polyester है, तो ये stretchable भी है and I absolutely love the color, बहुत ही different है, unique color है। जो नेक्स्ट है वो है ये
ब्रेसलेट फ्रॉम ज़ारा। ज़ारा के जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट अगर आप सेल में लेंगे तो ये आपको काफ़ी सही प्राइस में मिल जाएंगे। इनका जो MRP था वो 1790 था, बट आई गॉट देम एट ₹790 ओनली। और ये जो है कि येलो कलर में थे, 2 का पैक है। इसमें एक ये वाला है जिसमें कि इस टाइप से स्ट्रिंग है, और एक दूसरा है जिसमें इस टाइप से स्टोन्स हैं। वेयर करने के बाद भी ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, और गोवा में स्पेशली इस टाइप के स्टोन्स वाले ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जो स्टोन्स हैं उनका जो मटेरियल है काफ़ी फाइन है, चीप प्लास्टिक मटेरियल वो नहीं है, काफ़ी फाइन लगेगा अगर आप उसको टच करेंगे, वेयर करेंगे, और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ज़ारा से ली है वो है ये रिंग। ये जो रिंग है ये क्रिस्टल में है, और ये पहले से ऐसी ही आई थी, निकली हुई ही थी, ये अटैच नहीं थी, बट डजेंट मैटर, अगर रिंग अच्छी है तो आई एम गोइंग टू कीप इट। तो ये वाली जो रिंग है ये पिंक कलर में थी, और इसका जो मैंने साइज़ लिया है वो है मीडियम साइज़। काफ़ी क्यूट सी रिंग है, ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगने वाली है। And the next bracelet that I have bought from Zara is this beautiful round stone bracelet which is in mint color. ये वाला जो ब्रेसलेट है इस पे ज़ारा की ब्रांडिंग भी की गई है, छोटा सा ऐसे मेटल पीस लगाया हुआ है जिस पे ज़ारा लिखा हुआ है, which was looking very cute. इसको बंद करने के लिए इस थ्रेड को हमें इस स्टोन में डालना होता है, विच वॉज़ वेरी स्लिपरी। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे एक बार में ना हो, या अदरवाइज आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। And again the material of this bracelet was very fine. And the next thing that I've bought from Zara is this beautiful flat sandal with diamante. It's in multicolored, और इसके जो diamantes हैं ये बहुत ही अच्छा फील दे रहे हैं, प्लास्टिक नहीं है, अगेन कुछ अलग ही मटीरियल है जो कि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा फाइन है और रॉयल लुक दे रहा है। एंड स्पेशली मैंने इनको बीच वेयर के लिए लिया है, इसके जो diamantes हैं ये बहुत ही बीच परफेक्ट लग रहे हैं, और साथ ही साथ इन वाली जो सैंडल्स हैं इन पे ज़ारा की ब्रांडिंग भी की हुई है। और मैंने इसको UK 3 साइज़ में लिया है, यूजुअली मुझे ये साइज़ नहीं आता है, बट मैंने क्योंकि 3 साइज़ में अवेलेबल था तो ऑर्डर करके देखा कि मुझे फ़िट होता है, तो और लकीली मुझे फ़िट हो गया। और जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये सेटिन प्ले सूट। इसको मैंने L साइज़ में लिया है, और इस वाले प्ले सूट में एक अलग टाइप की शीन है विच इज़ मेकिंग इट परफेक्ट फॉर द पार्टीज़ एंड क्लबिंग। ये वाला जो प्ले सूट है इसकी फिटिंग भी कुछ डिफरेंट है, तो इफ़ यू आर बल्की तो ये आपको थोड़ा फ्लैटनिंग लुक देगा, बट इसका नेक बहुत डीप था जिसको मैंने सेफ्टी पिन से अभी फिट किया हुआ है। और ये जो है ये बीच में से डिवाइडेड है सिंस इट इज़ अ प्ले सूट, बट आगे से जो ड्रेस का लुक ही इसमें आएगा क्योंकि जो भी डिवीजन है इसमें वो अंदर लाइनिंग में है, अदरवाइज बाहर से जो है ये एक ड्रेस का लुक दे रहा है। एंड द नेक्स्ट ड्रेस इज दिस क्यूट पोलका डॉट प्रिंटेड ड्रेस जो कि लिनन मटेरियल में है। लिनन कॉटन की तरह बहुत कंफर्टेबल होता है। ज़ारा की जो ड्रेसेस हैं मोस्टली पॉलिएस्टर में आती हैं विच बिकम्स अनकम्फर्टेबल समटाइम्स क्योंकि गर्मी बहुत होती है गोवा में, ह्यूमिड बहुत होता है, सो जनरली आई प्रेफर टू बाई कॉटन एंड लिनन ड्रेसेस। इस ड्रेस की जो वेस्ट लाइन है वो क्लिंच्ड है जिसकी वजह से काफ़ी स्लिम लुक आ रहा है, और कॉलर है, और साथ ही साथ जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स हैं, बट बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बहुत ही क्यूट ड्रेस है।
जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये लार्ज स्ट्राइप ब्लाउज। ये लार्ज स्ट्राइप ब्लाउज के नाम से ही ज़ारा पे था और इसको मैंने एल साइज़ में लिया है। वैसे तो मेरा साइज़ इसमें स्मॉल होता बट बिकॉज इट वॉज़ नॉट अवेलेबल तो मैंने इसको एल साइज़ में लिया है। और इसके साथ मैंने ये बेल्ट को पेयर किया है। ये जो बेल्ट है ये मैंने फैब इंडिया से ली थी, 2000 रुपीज़ की ये बेल्ट थी। तो इसके साथ मैं इसको पेयर करने वाली हूँ। और अगेन ये जो है वो लिनन मटेरियल में है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। स्लीव्स जो हैं इसकी इस टाइप से स्ट्रेचेबल है। और जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये ज़ारा की वेजेस। ये जो वेजेस हैं इनका ओरिजिनल प्राइस 3290 था बट मैंने इनको डिस्काउंट में 990 रुपीज़ में लिया है। बट ये वाला जो साइज़ मैंने लिया है ये UK 4 लिया है। साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट था बट वेट वाइज जो थी ये वाली जो वेजेस थी काफ़ी हैवी थी और इनको पहनने के बाद थोड़ा हैवी फील हो रहा था बट 990 में आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड डील। और जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है उसी ब्रेसलेट का सेकंड कलर जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। वो येलो कलर में था बट इट इज़ इन पिंक कलर। पिंक कलर जो है वो येलो से ज़्यादा प्रिटी है बट ये थोड़ा सा कलर स्पेसिफिक है, वो थोड़ा कॉमन कलर था बट आई वॉज गेटिंग इट फॉर ₹390 तो मैंने इसको भी ले लिया दूसरे कलर में। वेरी क्यूट, वेरी शीक, वेरी गोवन। तो यस, यही सारी ड्रेसेस इस बार मैंने ज़ारा से ली थी। और आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू हॉल वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।